हरियाणा पंजाब तो बेकार ही बदनाम है, आओ कभी उत्तर प्रदेश। हरियाणा पंजाब तो बेकार ही बदनाम है, आओ कभी उत्तर प्रदेश। रंगबाजी क्या होती है हम तुम्हें बताते हैं, न गुंडई पे गाना बनाते हैं, न गाड़ी जाट गुज्जर लिखाते हैं, हमारे यहाँ 5-5 साल के लौंडे कट्टा चलाते हैं। हरियाणा पंजाब तो बेकार ही बदनाम है, आओ कभी उत्तर प्रदेश। रंगबाजी क्या होती है हम तुम्हें बताते हैं, ना गुंडई पर गाना बनाते हैं, ना गाड़ी पर जाट गुर्जर लिखाते हैं, हमारे यहाँ 5-5 साल के लौंडे कट्टा चलाते हैं। बैकग्राउंड में यह म्यूजिक, हाथ में रिवॉल्वर, आगरा की सिपाही प्रियंका मिश्रा का बनाया यह वीडियो इंटरनेट मीडिया पर छा गया तो महकमे ने कार्रवाई कर दी, उनको लाइन हाजिर कर दिया गया। अब वह इंस्टाग्राम अकाउंट पर कमेंट से परेशान है, इसके चलते उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। कारण लोगों के कमेंट से परेशान होना लिखा है। हालांकि एसएसपी मुनिराज जी ने इस्तीफा अभी स्वीकार नहीं किया है, उनका कहना है कि सिपाही और उनके परिजनों से बात की जाएगी। मूल रूप से कानपुर निवासी प्रियंका मिश्रा 2020 में पुलिस विभाग में सिपाही बनी, झांसी में प्रशिक्षण के 3 महीने पहले आगरा में नियुक्ति मिली, थाना एमएम गेट में तैनात थी। इंस्टाग्राम पर उनके एक अकाउंट पर 90 वीडियो अपलोड कर चुकी हैं, कुछ वीडियो पुलिस की वर्दी में भी बनाए हैं। 2 वीडियो में वह असलाह का प्रदर्शन भी कर रही थी, बैकग्राउंड में म्यूजिक बज रहा था। बताते चले कि हाल ही में रिवॉल्वर हाथ में लेकर बनाया गया वीडियो उन्होंने इंस्टाग्राम पर डाला, इसके कुछ देर बाद ही हटा दिया गया था, लेकिन इससे पहले यह वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो चुका था। इसके बाद इंस्टाग्राम पर उनके फॉलोवर्स भी बढ़कर 15,400 हो गए, जो कि पहले 1,000 थे। 24 अगस्त को एसएसपी तक मामला पहुंचा तो उनको लाइन हाजिर कर दिया गया। इधर फॉलोवर्स बढ़े तो कमेंट्स भी बढ़ने लगे, कुछ कमेंट्स उनको परेशान करने वाले थे, बताया गया। इससे वह तनाव में आ गई और परेशान होकर इस्तीफा सौंप दिया। राधे राधे, मैं प्रियंका मिश्रा। सबको पता है कि मेरा एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हुआ है, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। और अब तो लोग जो है YouTube पे, इंस्टा पे मेरी वीडियो अपने अकाउंट में या पोस्ट कर रहे हैं और उसमें बहुत ज़्यादा मुझे ट्रॉल कर रहे हैं। प्लीज़ ना करें, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, और ना परेशान करें। और सब कह रहे हैं मैंने बहुत ज़्यादा अभद्रता की है, अपराध कर दिया है, इतना बड़ा क्राइम कर दिया है मैंने, और जॉब से निकाल देना चाहिए, भर्ती उतरवा लेनी चाहिए। अगर सच में ऐसा लगता है तो मैं अपनी मर्जी से जॉब छोड़ने के लिए तैयार हूँ। मैं कोशिश कर रही हूँ, मैं जॉब छोड़ लूँगी, और जिन लोगों को भी मुझसे प्रॉब्लम है मैं जॉब छोड़ दूँगी, लेकिन मुझे ट्रॉल ना करें प्लीज़।